आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत गणेशपुर देवी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 2 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान मोहम्मद असलम हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी है। आइए जानते हैं 4 वर्ष में प्रधान ने अपने गाँव में कितने विकास कार्य किए हैं। सुनिए प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद है ब्लॉक भगतपुर टांडा के गणेशपुर गाँव में, जहाँ प्रधान द्वारा बहुत से विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ गांव में करा दिए? नए रास्ते बनवाए हैं जी, आवास बनवाए, शौचालय बनवाए जी, चक्रोटों का काम भी कराया। शौचालय से गाँव ओडीएफ हो गया पूरी तरह से? हाँ, गाँव ओडीएफ। क्या अभी यहाँ कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? कोई ना है, लगभग सभी के बन चुके हैं। सभी हो गए। क्या सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है सभी को? हाँ, सरकार की जो उज्ज्वला कनेक्शन मुक्त योजनाएं चली हैं उनका लाभ मिला है। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? किसानों के खाते में आ, कुछ लोगों को आ गया। सफाई की स्थिति कैसी है आपके गाँव? सफाई की स्थिति सही है। एक कर्मचारी नियमित रूप से आता है डेली? नियमित रूप से। यहाँ 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है समय पर? 100 नंबर 102 नंबर तो बिल्कुल सही है। आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए सरकार से क्या प्रमुख मांग रखना चाहेंगे? आप सुंदर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, सरकार पैसा भेजेगी तो उसमें काम होगा। क्या कार्य आप आगे करवाने का विचार है आपका यहाँ? कार्य ये पैसा आ तो लाइटें लगाई जाए, सोलर लाइट वगैरह लगवाएंगे, तालाबों का सौंदर्यकरण कराया जाए, स्कूल पर भी कार्य करवाएंगे। स्कूल पर यहाँ स्कूल का कार्य कराया, फर्श डलवाया स्कूल में, पूरी उसमें मैदान में स्कूल में सीसी का। शिक्षक समय पर आते हैं? शिक्षक अक्सर ठीक है यहाँ? शिक्षक स्तर भी बहुत बढ़िया। कोई समस्या आपके गांव में ऐसी जिसका समाधान चाहते हैं कि मतलब सबसे पहले सरकार उस तरफ ध्यान दें? ऐसी कोई समस्या नहीं, सब कुछ सही है। भी सही है, बड़े चल गया। जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए क्या, अपने गाँव वासियों के लिए कहना चाहेंगे? जनता का तो आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमारे साथ है जनता। जैसे कि आप इलेक्शन फिर से तैयार हैं तो क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर? जैसा कि आपने देखा, हमने प्रधान जी से यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ पर प्रधान जी द्वारा करवाया गया है, जैसे कि सीसी कार्य, सड़कें, सड़क निर्माण, आवास भी दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है। लगभग यहाँ पर काफी रूप से ये गांव विकसित है, यहाँ कोई समस्या ऐसी नजर नहीं आ रही जिसके लिए सरकार से प्रधान मांग रखना चाहते हैं। जैसे कि फिर भी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि बारात घर या और जो छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं उनका सरकार यहाँ जल्द से जल्द निवारण करे, ऐसा उनका मानना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे साथ लेखपाल भी मौजूद हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेते हैं यहाँ के बारे में, इस गाँव के बारे में क्या उनका कहना है। सर, आप यहाँ लेखपाल हैं, आपके अनुसार क्या इस गाँव की प्रतिक्रिया है? यहाँ कोई समस्या आपको लगता है कि है? नहीं, यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं, छोटी ग्राम पंचायत है, काफी विकास इस गांव में, जैसा कि प्रधान जी ने बताया है यहाँ का विकास हुआ है, क्या वो विकास देखने में आता है? बिल्कुल, यहाँ की सड़कें हैं और शौचालय, यहाँ की चक रोड हैं, लगभग सभी कुछ संपन्न है जी, सब कुछ।